Assalamu alaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourists. Series 70 ने बिल आखिर कम्प्लीट कर लिए जी 500 किलोमीटर और आप देखें 503 किलोमीटर हो गए. इसका पहला इंजन ऑयल अभी मैं चेंज कराऊंगा और उसमें चेन वगैरह भी इसकी चेकअप हो जाएगा, ऑयलिंग शॉयलिंग भी होगी और फिर आपको दिखाते हैं. और ख़ास जी उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी उस्मान? एक तो इंजन ऑयल कर दें, चेन भी चेक कर लें. एक अगर आप देखें ना तो इसका हैंडल मुझे थोड़ा सख्त लग रहा है, तो वो भी आप चेक कर लेना एक साइड पे, बल्कि शायद दोनों साइडों पे ये भी कर दें. ठीक है ना? ठीक है. 70 की पहला इंजन ऑयल चेंज जो 500 पे है, वो आपने याद रखें कि जब हो तो आपने एंट्री भी करवानी है. उसकी वजह ये है कि इंजन की वारंटी, ताकि आपकी फिर क्लेम हो सके. यहाँ पे एंट्री और सारा कुछ आपने करना. अच्छा, 375 का इंजन ऑयल. अच्छा, चेंजिंग यानी चेंजिंग पे करनी होती. इसके साथ ये है कि इंजन को ऑयल लगाते हैं. अच्छा, चैन वगैरह एडजस्ट करते हैं, ब्रेक वगैरह चेक करते हैं. अच्छा, ये उसके लिए कर लेते हैं. ओके जी, 25 रुपीज़ और 400 यानी टोटल 400. ओके. अच्छा, उस्मान से रमज़ान शिफ्टिंग हो गई है जी. अब शाम का वक्त है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ पूरा वर्स. जो कंपनी ने कहा है, मैंने उतनी ही मोटर बाइक चलाई है. अब रात का वक्त है तो. अच्छा रमज़ान, यहाँ पे इसके जैसे सीजी में होता है ऑयल फिल्टर, इसमें भी होता है जी? इसमें ऑयल फिल्टर है, जाली होती है, बहुत साइड टॉपअप खुलता है जब उसकी 12,000 किलोमीटर. अच्छा अच्छा अच्छा, यानी सीजी की तरह यहाँ नहीं होती? इधर नहीं होती, वो साइड टॉपअप खुलती है. अच्छा अच्छा अच्छा, वो 12,000 के बाद ज़रूरत है. ओके. इस साइड से भी खोल लेंगे ताकि फ्लो उसका प्रॉपर तरीके से हो जाए. अच्छा अच्छा, अभी खोल लें ये खुला हुआ है, लूज कर दी. ओके, अभी इसके ऑयल निकल. बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है जी. व्यूअर्स, चेन को ऑयल भी लगा रहे हैं और चेक भी कर लेंगे. थोड़ा सा मुझे इसमें चेन को टच होने की आवाज़ आ रही थी अभी रमज़ान, देख लेंगे कि ये ओके. 2040 है व्यूअर्स. इंजन ऑयल 0.7 लीटर चलता है इसमें. ये मुझे पकड़ा दें, हवा से फिल्मी स्टाइल से उड़ के गया. और ये अभी इसको ऑयल डालेंगे, इसमें पूरा आ जाता है. ये बना ही CD70 के लिए. और ये अभी पहला 500 पे रिप्लेस कर रहा हूँ, दूसरा 1000 पे ट्यूनअप होगा और इंजन ऑयल भी रिप्लेस होगा और सारा उसमें चेकअप होगा. ये व्यूअर्स डल गया. और उसके बाद यहाँ पे कैप भी लगा के इसको अच्छा सा टाइट कर देना, इसलिए बेहतर होता है कि ताकि कोई छेड़छाड़ ना करे और सेफ रहे आपकी बाइक. और भी सारी चीज़ें, अगला ब्रेक लीवर को और क्लच लीवर को प्रॉपर. तो व्यूअर्स जब 1000 पे होगा तब होगा, लेकिन अभी जो मोटा मोटा जो मुझे प्रॉब्लम ना आए टिल 1000 किलोमीटर्स.
अच्छा व्यूअर्स, मुझे थोड़ा हैंडल दोनों साइडों पे भी फील हो रहा था, जैसे टाइट हो, तो वो भी मैंने रमज़ान को कहा है वो भी चेक कर देंगे ताकि बैलेंस सही हो जाए। हेडलाइट भी ऑन कर, फिर रेस दे भी चेक कर। अच्छा व्यूअर्स जी रमजान, चेन भी हो गया टाइट, हैंडल भी हो गया, इंजन ऑयल रिप्लेस हो गया। अच्छा अब मुझे आना है 1000 किलोमीटर पे। ओके जी व्यूअर्स, तो ये था। अच्छा मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे और रमज़ान को अब दें इजाज़त। होंडा G9 कैपिटल पे हूँ। अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।